हम निकले हैं कॉस्को के लिए। शनाया कर रही है अपनी पढ़ाई, पता नहीं उसे क्या लेना है, अब कुछ देख रही है। और ये हम हैं रास्ते में। कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली वन ऑफ द स्टोर्स की मतलब कोई भी अगर कनाडा आ रहा है, अगर आप खुद ले सकते हो या फिर अगर आपके कुछ दोस्त मिलके कॉस्को की मेंबरशिप ले सके तो जरूर लीजिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस के हिसाब से ही वहाँ पे प्राइसेस होते हैं। तो आप लोगों को ग्रोसरी में या फिर अगर आप लोगों को मैट्रेस लेने हैं, जो भी चीजें लेनी है, हम कोशिश करेंगे अगर वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड होगी तो दिखाएं कि कॉस्को का सेटअप कैसा होता है। बट आपको कुछ भी लेना है तो बहुत ही सस्ते रेटों में उपलब्ध होता है, क्योंकि वो बिल्कुल थोक के भाव है। तो $120 की वहाँ पे मेंबरशिप आती है एग्जीक्यूटिव। आपको जरूरी नहीं है कि आपको एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप ही लेनी है, आप $60 की जो नॉर्मल मेंबरशिप होती है, चार लोग भी मिलके लोगे, $15 लगता है साल का, लेकिन आप इतने ज्यादा पैसा बचा लोगे कि $15 का काउंट ही नहीं होगा। तो चलते हैं कॉस्को और आपको दिखाते हैं कि भाई ये है क्या और वहाँ पे कितने कैसे पैसे आप बचा सकते हो। हम आ चुके हैं कॉस्को में। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी शॉपिंग करने की हमारी लिस्ट बन के आई है $20 की सर्दियों की, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लोगों को शायद बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हमने काफी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रॉली ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है और हमारा आधे से ऊपर सामान तो अभी आया भी नहीं है। शनाया, हाउ आर यू फीलिंग? शनाया थक चुकी है शॉपिंग करते करते, तो वो जूस पी रही है ना। शनाया शॉपिंग चल रही है, शनाया एक्साइटेड है। आते जाते हुए लोग सब शनाया को हाय करते हैं। कितने लोग बोल देते हैं, ओह माय गॉड दिस लिटिल ब्यूटी। और क्या खरीदना शनाया, बोलो। सब कुछ शनाया के लिए, सब कुछ। ये शनाया को सब कुछ चाहिए, क्या बात है। ये ट्रॉली शनाया ही चला रही है। हाँ शनाया ही चला रही है बिल्कुल। ये देखो, ये शॉपिंग करी है इसने, ये ट्रॉली देखो मैडम की, देखो जी देखो। ये मीनल नहीं करा, सारा कुछ मीनल का है, ये सब मीनल खाएगी, यही खाएगी, यही मौज करेगी। अब हम कॉस्को के खाने वाले काउंटर से आई थिंक पिज्जा पैक करवाएंगे। चलिए लेते हैं पिज्जा, क्योंकि थक गए हैं बहुत ज्यादा। ये सामान रख रहे हैं मीनल और पापा। मम्मी शनाया को लेके अंदर बैठी है, क्योंकि हल्की बहुत ही ठंड है आज। ये हमने एक्चुअली हैलोवीन कैंडी ली है, हैलोवीन आने वाली है तो 125 का ही पूरा पैकेट ले लिया। मोजरेला स्टिक्स ले ली है, पिस्ता, कोक का पूरा, आलू, प्याज, बटर, चीज, चिप्स, लहसुन, केले, योगर्ट, प्रोबायोटिक, हैगनडाज़ की आइसक्रीम, अनार, यू नेम इट एंड वी हैव इट। भैया दावत होने वाली है, दावत 8 डिक्की भरेगी पूरी। रखते जाओ। अच्छा हाँ, ये ग्रेटेड कोकोनट, ये भी ये सब मिलता है यहाँ पे यार। पंजीरी अंजीरी बनानी हो अपने आपको, मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब है, सब है। अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, विच इज एक्चुअली नाइस। सो यू गेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी हियर एट कॉस्को। तो अब हम कॉस्को से शॉपिंग करके आए हैं, 3:30 बज चुके हैं, इसलिए हम लोग पिज्जा ले आए थे बाहर से। ये रहा पिज्जा। बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख सही में। मौसम बड़ा अच्छा है तो मजा आएगा। शनाया देख रही है उसकी राइम्स। शनाया टेडी को कैसे नीनी कराते? उसको बस रिमोट चाहिए। अच्छा चलिए, अब आप लोग भी अपना एंजॉय करिए, हम भी लंच करते हैं और शनाया को राइम सुनाते हैं, मिलते हैं लंच के बाद। ओके राधे राधे। ये क्या मम्मी काम करवा रही है फ्रंट यार्ड का, ये वाला पेड़ तो पूरा उखड़ गया,
भाई साहब मतलब निखार कहते हैं क्या वर्ड बोलते हैं मीने? निखर निखार को नहीं पता, निखर गया क्या? है, निखर निखर वही मैं सोचूं ना, निखार क्या निखर होता है? गया है, निखर गया हमारा फ्रंट यार्ड। शनाया भी बहुत खुश है। बैकयार्ड अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे, मम्मी पहले ये फ्रंट यार्ड का काम करवा लें, ये जो डेड प्लांट्स हैं वो हटवा रही हैं मम्मी पहले इससे। शनाया ओ लगा भाई जोर लगा के हईशा, और दम लगा के हईशा, आ चक कर है, कर लिया इसने काम। आ गए हैं बैकयार्ड में। फ्रंट यार्ड तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ बैकयार्ड। पहले यहाँ पे ना प्लांट्स ही प्लांट्स थे, और इतने प्लांट्स थे, अभी देखो पूरे साफ करके जा चुका है, एकदम क्लीन हो चुकी है। ये रोई पूरी क्लीन हो चुकी है, जो सामने आप देख रहे हैं पूरी क्लीन है। यहाँ पर ना नीचे ना रैबिट का घर है, काफी सारे रैबिट्स रहते हैं इधर नीचे, जैसे आपको ये स्पेस दिख रही होगी। रात हो गई है, सो के उठे हैं हम 8 बजे के आसपास, पिज्जा खा के सो गए थे, पेट वेट भर गया था। अभी हम आए हैं लॉबलॉ में, यहाँ से हमें लेने हैं शनाया के डाइपर और शायद टमाटर वमाटर रह गया था हमारा, तो थोड़ा बहुत आपको लॉबलॉ के भी दर्शन करा देते हैं। चलिए, ये थोड़ी पम्पकिन की वो रखी हुई है, ये हेलोवीन आने वाली है तो उसकी डेकोरेशन के लिए सामान रखा हुआ है। वेलकम, हम लेके आए हैं आपको कनाडा के, मतलब लंदन के तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छे स्टोर में, सब स्टोर्स के दर्शन कराना चाहते हैं आपको। यहाँ पे काफ़ी अच्छी और फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी स्टोर्स से, बट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हर सामान बहुत क्वालिटी का मिलता है। हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे उन्होंने, क्वालिटी यू ट्रस्ट, यस वी डू। हम जिस काम के लिए आए थे शनाया के डाइपर्स लेने, वो मेन काम था हमारा जिसके लिए हम आए थे। यहाँ पे ये पूरा बच्चों का ही सेक्शन है, वहाँ पे टॉयज हैं, तो हम लोग वैसे वी प्रेफर कि हम पैम्पर्स प्योर लें, क्योंकि शनाया की स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। शनाया की क्या, हर बच्चे की स्किन, हाँ हाँ वो तो होती है। जो बच्चे के लिए आपने चीजें लेनी है वो अच्छी लीजिए। पता है क्या है कि मतलब मैं एज इन ऐसे किसी को वो नहीं करना चाह रही कि हाँ यही लो, बट मैंने सब तरीके डाइपर्स यूज करे हैं, ऑलमोस्ट सब तरीके के, और शनाया को ना यही सूट हुए। और ये ना मुझे कॉस्को वगैरह कहीं नहीं मिले, ये मुझे लॉबलॉ में ही मिले हैं, वॉलमार्ट में भी आई ट्राइड लेकिन नहीं मिले मेरे को वहाँ पे। चलो, तो अब हम सोने लगे हैं, बहुत ज्यादा थक गए आज के दिन। इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे, कॉस्को गए, लॉबलॉ गए, पिज्जा खाया, और मतलब आज तो शॉपिंग कर करके ही थक गए। जल्दी हमारा प्रोग्राम है नायग्रा जाने का और टोरंटो जाने का, मिसिसागा ब्रांटन जाने का, तो देखते रहिए हमारे व्लॉग्स। जल्द से जल्द हम आपको कनाडा के और भी शहर घुमवाएंगे, दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। हैव अ गुड डे, आज मेरे ख्याल से इंडिया में हो गया वेंसडे, तो हैव अ वेरी गुड डे, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। राधे राधे, जय माता दी, कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।